हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में आज हम सीखने वाले हैं कि एक कंपनी का जो लेजर्स है वो दूसरे कंपनी में कैसे ट्रांसफर करते हैं। बहुत ही इजी है क्योंकि बार बार लेजर्स बनाने के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अगर आपके कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आपको दूसरी कंपनी बनानी पड़ती है, फिर सारे लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप केवल उस लेजर को जिसमें गलती हो गई है उसको छोड़ करके बाकी सारे लेजर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे ये ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले तो वो कंपनी ओपन कर लीजिए जिसमें से आपको ट्रांसफर करना है। तो ये दुर्गा फार्मा ओपन कर लिया है और इसके नीचे एक और कंपनी है अभी कंप्यूटर, इसको भी ओपन कर रखा है। दुर्गा फार्मा से अभी कंप्यूटर में हमें ट्रांसफर करना है, तो अभी हम चलेंगे अल्टर पर और यहाँ पे अल्टर पे आ चुके हैं। अब अल्टर पे आने के बाद लेजर्स ओपन करते हैं, तो ये लेजर्स पे आ गए हम। अब जैसे ही लेजर्स पे आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा एक स्टॉक आइटम और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर दिख रहा है, प्रिया फार्मासी। तो ये प्रिया फार्मासी इस क्रेडिटर पार्टी को ओपन कर लेना है और कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है ताकि हम कंपनी चूज कर सके। अब ये प्रिया फार्मा ये जो लेजर है क्रेडिटर पार्टी का, इसको किस में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो देख लीजिए। तो हम ट्रांसफर करेंगे अभी कंप्यूटर में, तो यहां पर अभी कंप्यूटर पे जाकर के और एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। तो अभी ये प्रिया फार्मा वाला जो लेजर है ये चला जाएगा अभी कंप्यूटर में। कैसे चला गया आइए आपको दिखाता हूं। अब यहां पर दुर्गा फार्मा सेलेक्टेड है, अभी हम यहां से अभी कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अभी कंप्यूटर सेलेक्ट किया और यहां पर आएंगे तो यहां पर लेजर में जाएंगे और देखेंगे तो ये प्रिया फार्मा वाला लेजर जो है अभी कंप्यूटर में ट्रांसफर हो चुका है, इसके पहले ये नहीं था। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं रितेश सी, अब देखिए ये जो अभी कंप्यूटर है उसमें एक लेजर है रितेश सी। अब मैं आपको दिखा देता हूं दुर्गा फार्मा वाला ओपन करके। तो ये देखिए ये आ गए और यहां पर अल्टर करता हूं तो इसमें कोई भी रितेश सी नाम से लेजर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसमें कहीं भी रितेश सी नाम से लेजर है नहीं, है कहीं नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इस लेजर को जो कि अभी कंप्यूटर में है रितेश सी नाम से, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। किसमें लेके जाएंगे? दुर्गा फार्मा वाले कंपनी में लेके जाएंगे। तो चलिए यहां पर एंटर प्रेस करता हूं अल्टर पे जाने के बाद और यहां से आ जाता हूं लेजर पर। तो ये लेजर पे आ गए और लेजर पे आने के बाद करना क्या है हमें, लेजर पे आने के बाद हमें कौन सा लेजर ट्रांसफर करना है उसे हमें ओपन कर लेना है। तो ये रितेश सी वाला लेजर जो है हम जो दुर्गा फार्मा वाली कंपनी है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए अब आपको वो कंपनी चूज करनी होगी जिस कंपनी में इसे पहुंचाना है। तो यहां से F3 प्रेस कर लीजिए और हमको पहुंचाना है इसको किसमें, दुर्गा फार्मा में। रितेश सी वाले लेजर को दुर्गा फार्मा में पहुंचाना है, बस यहां पर एंटर कर दीजिए दुर्गा फार्मा पर आकर के और यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं। अब हम यहां पर वापस आते हैं बाहर, अब हमें कहां चलना है, दुर्गा फार्मा वाली कंपनी पर और चेक करना है कि रितेश सी वाला लेजर ट्रांसफर हुआ है या नहीं ट्रांसफर हुआ है। अगर ट्रांसफर हुआ है तो दिखाई देना चाहिए। तो यहां पर लेजर्स पे चलेंगे और इसे अल्टर कर लेंगे और जैसे ही लेजर पे जाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यहां पर रितेश सी करके एक लेजर आ चुका है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ये पहले नहीं आया था अभी आ चुका है। इसी तरह से कोई और भी लेजर आपको ट्रांसफर करना हो किसी दूसरे कंपनी में तो आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।